गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 5 में सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे। उसमें कल हमने पेज नंबर 23 से पेज नंबर 28 तक हमने कल पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आज हम पेज नंबर 28 में आज क्वेश्चन नंबर 4 चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए और कोष्टक में उचित उत्तर चुनकर लिखिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, हाउ मैनी कप्स आर देयर। इसमें कितने कप है, 1, 2, 3। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, 2 कप्स या 3 कप्स। तो आंसर आएगा इसमें 3 कप्स। अब वन नंबर देखेंगे, हाउ मैनी स्टार आर देयर, यानी कि इसमें स्टार कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें दो ऑप्शन है, 9 स्टार या 6 स्टार। तो इसमें आंसर आएगा 9 स्टार। कितने स्टार है इसमें, 9 स्टार। 2, हाउ मैनी फ्लावर आर देयर, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, 6 फ्लावर या 7 फ्लावर। तो फ्लावर गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कितने फ्लावर है, 7 फ्लावर। फ्लावर कितने हैं, 7 फ्लावर। अब थर्ड देखेंगे, हाउ मैनी प्रिंजल्स आर देयर, इसमें भी दो ऑप्शन है, 3 बिंजल्स या 2 बिंजल्स। 1, 2 और 3, कितने बिंजल है, 3 ब्रिंजल। तो आंसर आएगा इसमें 3 ब्रिंजल्स। 4 नंबर का देखेंगे अब, हाउ मैनी मैंगोस आर देयर, 9 मैंगोस या 5 मैंगोस। तो अब हम मैंगोस गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कितने मैंगोज है, 5 मैंगोज। आंसर आएगा 5 मैंगोज। अब पांचवा, हाउ मैनी बलून्स आर देयर, इसमें दो ऑप्शन है, 5 बलून्स या 10 बलून्स। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर आएगा 5 बलून्स। कितने बलून्स है, 5 बलून्स। अब हम 6 देखेंगे, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर, कितने एप्पल है, तो 10 एप्पल्स या 2 एप्पल्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आंसर आएगा 10 एप्पल्स। कितने एप्पल्स है, 10 एप्पल्स। अब हम 7 नंबर का देखेंगे, हाउ मैनी कार आर देयर, तो इसमें दो ऑप्शन है, 3 कार्स या 2 कार्स। तो कितनी कार्स है, 1 और 2, यानी आंसर आएगा इसमें 2 कार्स। कितनी कार है, 2 कार्स। 8, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, 6 पेंसिल या 5 पेंसिल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी पेंसिल है, 6 पेंसिल। तो इसमें आंसर आएगा 6 पेंसिल। कितनी पेंसिल है, 6 पेंसिल्स। अब 9 नंबर, हाउ मैनी बुक्स आर देयर, दो ऑप्शन है, 5 बुक्स या 4 बुक्स। 1, 2, 3, 4, कितनी बुक्स है, 4 बुक्स। आंसर आएगा 4 बुक्स। 10 नंबर लास्ट, हाउ मैनी काइट्स आर देयर, 8 काइट्स या 10 काइट्स। तो काइट्स हम गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और
8, तो आंसर आएगा 8 काइट्स. कितने काइट्स है? 8 काइट्स. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. इसमें चित्र देखिए, प्रश्न पढ़िए और कोष्टक में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए. इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये विनय है. हु इज ही इज ए विनय. तो इसमें दो ऑप्शन है, ही इज ए विनय, सी इज ए विनय. तो आंसर आएगा ही इज ए विनय. अब हम फर्स्ट नंबर का देखेंगे. वो इज सी, यहाँ पे लिखा है माई सिस्टर. तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, सी इज माई सिस्टर, ही इज माई सिस्टर. तो आंसर आएगा, ये लड़की है तो आंसर क्या आएगा, सी इज माई सिस्टर. आंसर क्या आएगा, सी इज माई सिस्टर. सेकंड नंबर देखेंगे, वो इज ही, उसमें दो ऑप्शन है, सी इज माई फादर या ही इज माई फादर. तो इसमें आंसर क्या आएगा, ही इज माई फादर. आंसर आएगा ही इज माई फादर. थर्ड नंबर, ये टीना है. वो इज सी, इसमें दो ऑप्शन है, ही इज टीना, किसी इज टीना. तो ये लड़की है, यानी कि इसमें आंसर आएगा सी इज टीना, सी इज टीना. फोर नंबर, वो इज ही, दो ऑप्शन है, ही इज ए नितिन, सी इज ए नितिन. नितिन लड़का है, तो इसमें आंसर आएगा ही इज नितिन. क्या आंसर आएगा, ही इज नितिन. अभी फाइव नंबर का, वो इज सी, इसमें दो ऑप्शन है, इसमें क्या लिखा है, माय मदर. वो इज सी, दो ऑप्शन है, ही इज माय मदर, सी इज माय मदर. तो इसमें क्या आएगा, सी इज माय मदर, सी इज माय मदर. आंसर आएगा सी इज माय मदर. अभी लास्ट सिक्स नंबर का, वो इज ही, दो ऑप्शन है इसमें, ही इज अमर, सी इज अमर. तो ये कौन है, लड़का है, उसका नाम क्या है, अमर, ये अमर है. तो इसमें आंसर क्या आएगा, वो इज ही, तो इसका आंसर आएगा ही इज अमर. ये लड़का है इसीलिए उसके लिए ही इज अमर, ये अमर है.